नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चला बिजनौर के सिहारा से है, जहां वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। वाल्मीकि बस्ती से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा अपने परंपरागत मार्गों से होते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां शामिल रही, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई। साथ ही शोभा यात्रा का व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण कुमार वर्मा, अनिरुद्ध वर्मा आदि द्वारा उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि नगर में सभी धर्म एवं जाति के त्योहारों को सभी लोग भरपूर सहयोग देकर मनाते हैं। उन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि हिंदू समाज के लिए आदर्श रहे हैं। इनकी प्रेरणा से हमें भगवान श्री राम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष शेख फैजल वारसी, अधिशासी अधिकारी विजेंद्र पाल, कमेटी अध्यक्ष गुड्डू, डॉक्टर मनोज वर्मा, अनुप वाल्मीकि, आलोक वर्मा, पीयूष रस्तोगी, चौधरी फैमुर रहमान, देवेंद्र कुमार, अमित शर्मा, सुरेंद्र अरोड़ा, राजपाल प्रजापति, अविनाश वाल्मीकि आदि सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह सोलंकी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।